हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोमा। स्वागत है आप सभी का मेरी रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना उबाले बहुत ही कम समय में टेस्टी ढाबे स्टाइल छोले की रेसिपी, वो भी एक सीक्रेट ट्रिक्स के साथ। अगर आपको मेरे सीक्रेट जानना है तो मेरे वीडियो को एंड तक देखें। मैंने इसे बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाना बताया है, तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। छोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम काबली चना लिया है। इसे मैंने रात भर के लिए भिगो के रखा था। आप चाहे तो इसे 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं। एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, 3 मीडियम साइज का प्याज, इसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। थोड़ी सी साबुत गरम मसाला, 1 कप सरसों तेल छोला बनाने के लिए, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 3 तेज़पत्ता लिया है और 2 सूखी हुई लाल मिर्च। थोड़ी सी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, यह लगभग 1 चम्मच है। यहाँ पर मैंने आधा छोटी चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच सब्जी मसाला। यह होममेड है, अगर आप इसका रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। 1 छोटी चम्मच मीट मसाला पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें। छोला बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर प्रेशर कुकर गरम करेंगे और इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें साबुत लाल मिर्च और तेज पत्ता को डाल देंगे। इन सबको डालने के बाद इसे थोड़ा सा चला करके भून लें, थोड़ी सी ब्राउन कर लें। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे जो मैंने साबुत लिया था। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से भून लें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर डालने के बाद इन सबको अच्छी तरह से मिला के इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। ये देखिए, ये थोड़ा सा भून गया है, ज्यादा हमें नहीं भूनना है। अब हम इसमें छोला डाल देंगे। छोला डालने के बाद इन सबको अच्छी तरह से मिलाएं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक का इस्तेमाल आप अपने स्वाद के अनुसार ही करें। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद इन सबको अच्छी तरह से मिला दें। अब इन सबको मिला करके प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें। इसे ढक्कन को अच्छी तरह से बंद नहीं करना, बस इसके ऊपर हमें रख देना है और फ्लेम को मीडियम टू हाई पे ही रखें। यहाँ पे चना सॉफ्ट हो रहा है तब तक हम मसाला घोल लेते हैं। मसाला को घोल के डालने से सब्जी में मसाला का फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पर हमने धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच डाला है मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सबको डाल करके अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे।
मसाला घोल लिया है मैंने, अब हम मसाला को इस चना छोला में डाल देंगे। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी भी डाल दें ताकि चना अच्छी तरह से भून जाए, क्योंकि मसाला को भूनना भी तो ज़रूरी होता है। वे सबको अच्छी तरह से मिला करके ढक्कन इसके ऊपर से रख दें और इसे 5 मिनट के लिए भून लें। देखिए 5 मिनट हो गया है, मसाला अच्छी तरह से भून गया है। देखिए इसे थोड़ा सा हम और भूनेंगे। इधर मसाला भून रहा है तब तक हम एक पतीले में पानी को गर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है। आप कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी के अनुसार पानी डालें। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती डाला है। चना छोला में हम चाय पत्ती का पानी ही डालेंगे और ये ही मेरी सीक्रेट है। देखिए मसाला भून गया है इधर। और इधर चाय पत्ती में भी उबाल आ गया है, अब हम इसको 1 ग्लास में छान लेंगे। अब इस चाय पत्ती के पानी को हम छोले में डाल देंगे। इसे डालने के बाद थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। अगर आपको ग्रेवी के थिकनेस थोड़ी पतली लग रही है, गाढ़ी लग रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दें। अब इसमें गरम मसाला और धनिया पत्ता डाल करके ढक्कन को बंद करके और इसे हाई फ्लेम पर 3 सीटी लगा लें। यह देखिए 3 सीटी लग गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यह देखिए कुकर ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोल के दिखाते हैं। देखिए सब्जी कितनी टेस्टी बनी है, अब हम इसे चेक करके दिखाते हैं। यह देखिए चना अच्छे से पक गया है, सब्जी का कलर आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है और बहुत ही गाढ़ी बना है सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।